आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 50 सबसे इंपॉर्टेंट केसेस फॉर द ईयर 2021 फॉर द पर्पज ऑफ क्लैट पीजी 2023। ये जो वीडियो है इस पूरी सीरीज का पार्ट वन है, इसका पार्ट टू भी हम लोग बहुत ही जल्दी लॉन्च करेंगे। साथ ही में अगर आपको ये पता करना है कि आप क्लैट पीजी में कहाँ स्टैंड करते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं 25 सितंबर को एक नेशनल मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आप एनरोल कर सकते हैं। ये जो मॉक टेस्ट है आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और साथ ही में जितने लोग भी एनरोल करेंगे उनको हम लोग एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे हमारे एक अच्छे कोर्स के अंदर, और साथ ही में जो टॉपर्स होंगे उनको भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो इस टेस्ट के लिए आप जरूर ज्वाइन करिए और ये चेक करिए कि आप कहाँ प्रिपरेशन में स्टैंड करते हैं। साथ ही में अगर आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है तो आप हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में या फिर हमारे अचीवर्स कोर्स में से किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। जो इन दोनों का डिफरेंस है वो आपको आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बैनर में नजर आ जाएगा। अब चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो केस है, केस वन, अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में हुआ क्या था कि मिस्टर अमीश देवगन जो थे आपके टीवी होस्ट एंकर थे, इन्होंने कुछ आपत्तिजनक बातें बोली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट में, और उसकी वजह से उन लोग की जो वो थी रिलीजियस बिलीफ्स वो आहत हुई। उन्होंने जाके कई सारे FIR जो है दर्ज कराए ऑल ओवर इंडिया, और मिस्टर अमीश देवगन ने कहा कि जितनी भी FIR है इनको जो है सुप्रीम कोर्ट क्वैश करे, बिकॉज यहाँ पे जो आपका सेक्शन 179 होता है CRPC का, उसमें दिया ये हुआ है कि जो ऑफेंस होता है वो केवल वहीं पे ट्रायलेबल है जहां पे एक्ट हुआ है या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज जहां पे एंस्यू करते हैं। लेकिन यहां पे कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो ऑडियंस है इंक्लूडिंग द कंप्लेनेंट्स वो पूरे भारत में डिफरेंट पार्ट्स में भारत के रहते हैं और वो अफेक्ट हुए हैं आपके एंट्रेंसेस से, और इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इन FIR को तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पे एंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट करेंगे अरेस्ट के उसमें, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि आप कोऑपरेट करोगे इन्वेस्टिगेशन में जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती नहीं है। और सेकंड चीज जो कोर्ट ने हेल्ड करी वो ये थी कि जो आपका डेफिनेशन होती है हेट स्पीच की, उसको तो हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर एक यूनिवर्सल डेफिनेशन दे पाना कठिन है, लेकिन जो एक कॉमनैलिटी होती है सारे के सारे अक्रेंसेज में वो ये है कि उसके अंदर इंसाइटमेंट टू वायलेंस का जो आपका कॉम्पोनेंट होता है ना वो हमेशा अवेलेबल होता है, वो पनिशेबल होता है। केस नंबर टू, बेघर फाउंडेशन थ्रू सेक्रेटरी वर्सेस जस्टिस KS पुट्टा स्वामी। अब इस केस के अंदर क्या हुआ था कि सबसे पहले देखिए आपका आधार जजमेंट आया था 5 जजेस बेंच का, जिसमें कि आपका आधार जो कार्ड का जो पूरा वो था उसको एज अ वैलिड वो माना गया था। फिर उसके बाद जो जजमेंट आया वो आपका आया था रॉजर मैथ्यू का। इसमें यह ऑब्जर्व करा गया कि जो मेजोरिटी डिक्टम आधार कार्ड वाले केस में आया था KS पुट्टा स्वामी में, वो सब्सटैंशियली जो है गलत उसमें चीज डिस्कस करी गई है। उसमें जो वर्ड होता है ना ओनली आर्टिकल 110 के अंदर, उसको ठीक से एग्जामिन नहीं करा गया, और उसके रिपरकशंस ये हैं कि आपने जो अनैक्टमेंट है यहाँ पर आधार एक्ट वाला उसको एज अ मनी बिल आपने पास कर दिया, और वो आपका आर्टिकल 110 के अंदर A से लेके G के अंदर जो प्रोविजंस है उसके अंदर कहीं ना कहीं लार्जर पिक्चर में फिट नहीं होता। और उन्होंने रिकमेंडेशन ये दी कि ये जो पूरा केस है इसको आपको लार्जर बेंच के पास रेफर करना चाहिए। अब फिर क्या हुआ कि जो आधार कार्ड वाला जजमेंट था इसके लिए रिव्यू पिटीशंस फाइल करी गई कि भाई ये जजमेंट है रॉजर मैथ्यू वाले में कहा जा रही है गलत है, तो इसको आप वो करो। इन रिव्यू पिटीशंस को यहां पर इस केस के अंदर डिसमिस कर दिया गया, और ये कहा गया कि जो आधार जजमेंट है वो सही है, और बाय 4:1 की मेजोरिटी के साथ इस चीज को रिजेक्ट करा गया, और ये कहा कि इस केस के अंदर रिव्यू की कोई जजमेंट नहीं है। बिकॉज कोई भी अगर मान लो चेंज होता है लॉ में या फिर सब्सिक्वेंट मान लो कोई डिसीजन होता है, वे जजमेंट होता है कोऑर्डिनेट बेंच का जो कि रॉजर मैथ्यू में आया है, उसकी वजह से उस जजमेंट के आने की वजह से जो यहाँ पे डिसीजन है वो इटसेल्फ जो है आप ये नहीं कह सकते हो कि वो ग्राउंड ऑफ रिव्यू बन जाता है, बिकॉज ये जजमेंट कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन जो माइनॉरिटी ओपिनियन थी हेल्ड बाय जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि ये जो पेरेंट आपकी बैच ऑफ रिव्यू पिटीशंस हैं उनको हमको पेंडिंग रखना चाहिए अनटिल कोई लार्जर बेंच रॉजर मैथ्यू वाले केस को जब तक आपका यहाँ पर नहीं डिसाइड करती है तब तक आप इसको रखो, बिकॉज जो प्रिंसिपल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कंसिस्टेंसी के आपके बेसिकली और रूल ऑफ लॉ के वो जो है कहीं ना कहीं आपके वायलेट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर इस तरीके का हम लोग काम करेंगे, तो इसीलिए हमें वेट करना चाहिए इस तरीके से इस पर्टिकुलर उसके ऊपर ऑर्डर देने के पहले। लेकिन जो मेजॉरिटी डिसीजन था उसमें आया कि हम लोग जो रिव्यू है यहाँ पे आधार जजमेंट का उसको हम लोग डिसमिस करते हैं। केस नंबर 3, दीपिका जगतराम सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखिए इस केस के अंदर हुआ क्या था कि जो आपके आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री उनको COVID-19 के चक्कर में बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे इस चीज को जो बेंच इस चीज को एड्रेस कर रही थी तो उन्होंने हेल्ड ये करा कि जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो प्रिजर्व करे ह्यूमन लाइफ को, और अगर इनएडिक्वेट सप्लाई है न्यूट्रिशियस फूड की
सिटीजन्स के लिए और मोर पर्टिकुलरली बच्चों के लिए जो उनकी हेल्थ को इफेक्ट करेगी, तो आपको इस चीज को देख के चलना है। फर्दर उन्होंने बोला कि ये जो चीज है ना, ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के अंडर आर्टिकल 21 के, और जो चिल्ड्रन है जो कि अगले जनरेशन के हैं, ठीक है, उनको अनलेस एंड अंटिल जो आपके न्यूट्रिशियस फूड आप प्रोवाइड नहीं करोगे, तो वो पूरी की पूरी चीज, पूरी जो कंट्री है उसको एज अ होल इफेक्ट करेगी, तो आपको इस चीज को होने नहीं देना है। उन्होंने फर्दर ये बोला कि जो स्टेट है वो प्रोवाइड करे एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉर सुपरविजन एंड चेक ऑफ दीज होल थिंग्स, और जो चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं और जो अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको इंटरेस्ट करा गया कि आप मॉनिटर करो आंगनवाड़ी सेंटर्स के फंक्शनिंग को, और एक्स्ट्रा विजिलेंट रहो कि कोई ऐसा बेनिफिशियरी ना हो जिसको कि उसके जो आपके ड्यूज हैं, जो उसके पूरी पूरी एक वो होती है, एक जिम्मेदारी होती है, वो डिनाई ना हो। कोर्ट ने फर्दर ये भी ऑर्डर करा कि आप जल्दी से जल्दी जितने भी आपके सेंटर्स हैं आंगनवाड़ी वाले जो कि कंटेनमेंट जोन्स जो थे आपके कोविड-19 दौरान, उनके बाहर अगर सिचुएटेड है तो उनको आप ऑपरेट या फिर खोलना जल्दी से जल्दी शुरू करो। और इस ये सब पूरी चीजें फूड सिक्योरिटीज एक्ट 2013 के एम्बिट के अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने कही थी। केस नंबर 4, रामा नारंग वर्सेस रमेश नारंग। अब देखिए इस केस में क्या हुआ था, आपके एक फादर थे और एक आपके दो सन्स थे, उनके बीच में इस बात का डिस्प्यूट था कि जो होटल की फैमिली चेन है होटल की, उसको जो हम लोग रन करेंगे तो हम लोग कोलैबोरेटिव एफर्ट में कैसे रन करेंगे, बिकॉज फादर और सन्स के पास बराबर बराबर एक अधिकार था उसको रन करने का, ऑपरेशंस का। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक जजमेंट दिया था जिसमें कहा था कि दोनों लोग भैया मिलकर अपना रन करो, लेकिन जो सन्स थे उनका कहना था कि फादर जो है ठीक से यहाँ पे कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो उन्होंने जाके कंपनी लॉ बोर्ड के अंदर एक अपना फाइल कर दिया एप्लीकेशन कि भाई ये ठीक से हो नहीं है। तो कंपनी लॉ बोर्ड ने क्या करा, इन्होंने उठा के एक अपना ऑर्डर पास करा कि जो है इस तरीके से आपकी कंपनी रन होनी चाहिए। फादर का यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक ऑर्डर दिया था, तो फिर इसीलिए जो कंपनी लॉ बोर्ड का ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है, इसलिए उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, सिविल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी। कोर्ट ने इस चीज में क्या हेल्ड करा, कोर्ट ने हेल्ड ये करा कि जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होती है वो आपकी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की तरह नहीं होती जो कि आप सीपीसी के अंदर जनरली पाते हो, वो क्वाजाई क्रिमिनल इन नेचर होती है और उसके अंदर स्टैंडर्ड प्रूफ होता है वो रिक्वायर्ड होता है इन अ सेम मैनर जैसे आपके जो बाकी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके अंदर होता है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूफ करना पड़ेगा। बिफोर आप किसी पर्सन को कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर रहे हो, आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जो डिसोबीडियंस था किसी भी जजमेंट डिक्री डायरेक्शन या फिरिट या किसी उसका, वो आपका विलफुल था और इंटेंशनल था। फर्दर उन्होंने कहा कि जो एक्शन है यहाँ पे पर्सन के जो कि टेक प्लेस कर रहे हैं उसके राइट कि वो अपना लीगल एक्शन टेक कर पाए कोर्ट ऑफ लॉ में, जो यहाँ पे बेसिकली कंपनी लॉ बोर्ड में लोग गए थे अपना केस लेकर, वो अमाउंट नहीं करेंगे टू द इंटरफेरेंस ऑफ जस्टिस ऑफ कोर्ट। एक जो पार्टी है वो फ्री है कि वो अपने लीगल राइट्स को एनफोर्स करा सकती है, उसके लिए कोई उसको रोक नहीं सकता, और उसको रखते हुए उन्होंने कोई भी कंटेम्प्ट यहाँ पे नहीं करा है रिगार्डिंग पेंडेंसी ऑफ कोई सर्टेन प्रोसीडिंग्स, और उन्होंने केवल एक बस अदर एक जुडिशियल रिकोर्स लिया था जो कि उनके पास ओपन था। और यहाँ पे जो अदर पार्टी है, अगर इवन दो अगर वो लेटर थोड़ी सी लॉस में भी है तब भी ये चीज कंटेम्प्ट के दायरे में नहीं आएगा। केस नंबर 5, मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपका लेटेस्ट वाला जो 2021 का जजमेंट है, हम इसकी बात कर रहे हैं इन अ सीरीज ऑफ जजमेंट्स रिलेटेड टू ट्राइब्यूनल्स। अब इस केस में हुआ क्या था कि एक आपका ऑर्डिनेंस आया था जिसका नाम था ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021, जिसके अंदर सबसे पहली चीज तो जो मिनिमम एज थी यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, वो कहा गया 50 साल होगी किसी भी मेंबर के लिए ट्राइब्यूनल के, और दूसरा कहा गया कि जो टेन्योर है वो केवल अब 4 साल का होगा फॉर मेंबर्स एंड द चेयरपर्सन किसी भी ट्राइब्यूनल के ऑल अक्रॉस इंडिया। ये जो चीज थी इसको यहाँ पर कोर्ट ने 2:1 के मेजोरिटी के साथ स्ट्राइक डाउन करा, और उन्होंने बोला कि ये जो आप टर्म फिक्स कर रहे हो ना 4 साल की, ये कॉन्ट्ररी है टू द डायरेक्शन जो कि पहले के केसेस में दिया गया था जिसमें कहा गया था कि 5 साल यहाँ पे होना चाहिए, और ये कॉन्ट्ररी है पूरी चीज टू द प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, रूल ऑफ लॉ एंड आर्टिकल 14। अब इसके अंदर जो आपके माइनॉरिटी व्यू था वो आपका जस्टिस हेमंत गुप्ता का था, और उन्होंने बोला कि हम केवल एक लॉ को इसीलिए नहीं स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं मेयरली बिकॉज वो किसी जजमेंट के उसमें कॉन्ट्ररी है। फर्दर कोर्ट ने जो मेजोरिटी ओपिनियन था उसमें बोला कि जो प्रोविजंस हैं जिसमें कि आप मिनिमम जो एज लिमिट होती है 50 साल की आप जो फिक्स कर रहे हो ना, वो भी कहीं ना कहीं गलत है बिकॉज ये कॉन्ट्ररी है उन डायरेक्शंस के उसमें जहां पर बोला गया था कोर्ट के द्वारा कि जो एडवोकेट्स होते हैं उनके पास अगर मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर वो एलिजिबल होंगे यहाँ पर ट्राइब्यूनल मेंबर बनने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो उन जो आपके आए थे आपके व्यूज बेसिकली कोर्ट ने जो कहे थे उसके अगेंस्ट में है। फिर ब्रंच ने जो है फर्दर स्ट्राइक डाउन करा उन प्रोविजंस को भी जो रिलेटेड थे सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के ऊपर,
उसमें भी उन्होंने हेल्ड ये करा कि जो यहाँ पे प्रोविजन है उसके अंदर आपको बेसिकली दो नाम जो यहाँ पे रेकमेंड करे गए थे कोर्ट के द्वारा कि आपको देने हैं वही रहेगा, एक नाम वाला जो काम है वो यहाँ पे नहीं चलेगा। केस नंबर 6 यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीब। और देखिए इस केस में क्या था कि आपका जो अक्यूज था उसको पिछले 5 साल से यहाँ पर प्रिजन में रखा गया होता, उसको बेल जो है बार बार रिजेक्ट करा जा रहा था और उसको बेसिकली सेक्शन 43D5 में यहाँ पे किया गया। इस जो आपका अपीलेंट था उसने उठा के हाईकोर्ट में अपील करी, हाईकोर्ट से बेल मिल गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टेट ने अपील करी सुप्रीम कोर्ट में, फिर जब डिसीजन आया तो उसमें देखिए कोर्ट ने सबसे पहले तो ये कहा कि भाई देखो हम लोग यहाँ पर जो अक्यूज्ड या जो रिस्पोंडेंट है उसकी बेल को हम लोग यहाँ पे एनलार्ज कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कंसिडरेबल डिले है यहाँ पे ट्रायल में, 5 साल से बंदा जेल में बैठा हुआ है। फर्दर उन्होंने बोला कि जो प्रेजेंस है आपका स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस का, जैसे कि 43D5 के अंदर यूएपीए के होता है, वो एक जो एबिलिटी होती है ना कोर्ट की वो उसको उठा के बाहर नहीं फेंक देगी कि वो बेल नहीं ग्रांट कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके वायलेशन में है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में, ये कोर्ट कर सकती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट है जहां पे हम लोग एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं जो एपेलेंट के राइट्स हैं कि वो राइट एविडेंस को यहाँ पर लीड कर पाए ताकि वो बेसिकली अगर जो बंदा है वो अक्यूज्ड है उसको गिल्टी साबित कर पाए ऑफ हिज चॉइस, और ये भी एस्टैब्लिश कर पाए कि जो चार्जेस है वो बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट है ये बंदा गिल्टी है। और साइमल्टेनियसली हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो रिस्पोंडेंट्स के राइट हैं जो पार्ट 3 में उसके दिए हुए हैं हम लोग उसको भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर पाए, एक बैलेंस यहाँ पे स्ट्राइक करने की जरूरत थी कोर्ट को, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर यहाँ पर के नजीब को बेल दे दी। केस नंबर 7 लक्ष्मीबाई चंद्रागी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। आप देखिए इस केस में क्या हुआ था, एक आपका कपल था जिसने की बेसिकली भाग के शादी करी, लेकिन यहाँ पे जो लड़की का जो गर्ल थी उसके होम टाउन में एक पुलिस इंस्पेक्टर था, उसने कहा कि भाई देखो तुम जो है अपने होम टाउन जो है वापस आओ और यहाँ पे आके एक अपना कंप्लेंट दर्ज करो, ठीक है, अगर नहीं दर्ज करोगी पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे मतलब तुम्हारे पति के अगेंस्ट में बेसिकली एक किडनैपिंग का फर्जी केस फाइल कर दूंगा। अब ये चीज लेकर हुआ तो इन लोगों ने भैया अपना मूव करा, ये लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मूव करें कि भाई हम लोग प्रोटेक्शन दी जाए। इस चीज को देखते हुए यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि सबसे पहली बात समझो कि जो राइट होता है ना मैरी करने का उसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बेसिकली सकम कर जाए या फिर वो उसका दम घुट जाए अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ क्लास ऑनर, जाति का जो आपका एक ऑनर होता है वो। एक पर्सन के राइट जो होता है मैरी करने का वो उसका एक इंटीग्रल चॉइस है एज पर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और फर्दर कोर्ट ने बोला कि देखिए जेस केस पट्टा स्वामी जो केस है आपका उसके अंदर एक ऑटोनॉमी की बात करी गई कि इंडिविजुअल जो होता है उसकी जो रिलेशन होता है उसकी फैमिली का कि वो किस तरीके से रखना चाहता है, मैरिज जो उसकी है वो उसकी इंटीग्रल डिग्निटी का पार्ट है एक इंडिविजुअल का। और कोर्ट ने क्या करा, उन्होंने ऑर्डर करा पुलिस को कि भाई आप एक काम करो, आप एक फॉर्मुलेट करो गाइडलाइंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाओ ताकि जो आपके पुलिस पर्सनल हैं उनको हम लोग सिखा पाएं कि कैसे सोशली सेंसिटिव मैटर्स जो होते हैं इस तरीके के उनको हैंडल कैसे किया जाए। फर्दर कोर्ट ने जो आपके यहाँ पे एक मिसल यहाँ पे पर्सन रिपोर्ट जो लिखवाई गई थी FIR यहाँ पर जिसके ऊपर पुलिस ऑफिसर था वो इन्वेस्टिगेशन करने गया था उसको इन्होंने यहाँ पे क्वैश करा और ये कहा कि जो पेरेंट्स हैं पिटिशनर के वो थोड़ा सा बेटर सेंस लाएंगे और वो एक्सेप्ट करेंगे मैरिज को, और जो अपनी बेटी के साथ उन्होंने अपने सोशल इंटरेक्शन तोड़ रखे हैं उसको वो थोड़ा रीस्टैब्लिश करेंगे। केस नंबर 8 यूनाइटेड लिमिटेड वर्सेस तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन। अब देखिए इस केस में हुआ क्या था, यहाँ बेसिकली जो दो पार्टीज थी वो एक स्टेट थी और एक आपकी यूनाइटेड लिमिटेड थी, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसके अंदर एक आपका आर्बिट्रेशन क्लॉज था और उस आर्बिट्रेशन क्लॉज के अलावा भी यहाँ पे पार्टीज ने जो है आर्टिकल 226 के अंदर जाके इन्वोक करा हाईकोर्ट की जुरिसडिक्शन को। अब इस चीज को लेके चैलेंज करा गया इस बात को कि कैसे आप आर्बिट्रेशन क्लॉज के होते हुए इस चीज को इन्वोक कर सकते हो। इस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड ये करा कि अगर भाई देखो एक आर्बिट्रेशन क्लॉज एग्जिस्ट करता भी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिटवीन द स्टेट जो उसकी इंस्ट्रूमेंटेलिटी उसके और प्राइवेट पार्टी के बीच में, तो वो एक एब्सोल्यूट बार यहाँ पे नहीं लगा देगा कि भैया आप अपनी रेमेडीज जो होती है 226 के अंदर उसको आप अवेल ना कर पाओ। जो आपका स्टेट होता है और जो उसकी इंस्ट्रूमेंटेलिटीज होती है उनको आप एग्जेम्प्ट नहीं कर दोगे, बाहर निकाल दोगे उनकी ड्यूटीज से कि आपको जो बेमानी करनी है करो, बिकॉज जो आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पे डायरे में था जो आप बिजनेस डीलिंग बेसिकली कर रहे थे। फर्दर बेंच ने बोला कि जो पब्लिक लॉ होता है ना वो एक रेमेडी अवेलेबल करवाता है कि आप अपने लीगल राइट्स को एनफोर्स करा पाओ सब्जेक्ट टू वेल सेटल्ड पैरामीटर्स।
वाइल एक्सरसाइजिंग, जब यहाँ पे हाई कोर्ट अपनी ज्यूरिडिक्शन 226 में एक्सरसाइज कर रहा है, तो कोर्ट एंटाइटल्ड है इस चीज के लिए कि वो इंक्वायर कर सकता है कि वेदर जो एक्शन यहाँ पे स्टेट या फिर उसकी इंस्ट्रूमेंटैलिटी ने लिया, क्या वो आर्बिट्री है या फिर वो अनफेयर था किसी उसकी वजह से, कॉन्सिक्वेंस की वजह से, और क्या वो आर्टिकल 14 के वायलेशन में था या फिर नहीं, वो कर सकता है। फर्दर उन्होंने बोला कि जो आपका ज्यूरिडिक्शन है आर्टिकल 226 के अंदर, उसको आप इस चीज की वजह से नहीं आउट कर सकते ऑन द बेसिस कि जो डिस्प्यूट है वो एक आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है, और जो प्रेजेंस आर्बिट्रेशन क्लॉज का वो यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन को खत्म नहीं करेगा, ठीक है। आपका फिर भी जो केस है वो केस टू केस बेसिस पे कहीं ना कहीं डिसाइड होगा कि पब्लिक जो लॉ है उसके अंदर जो रेमेडी ली गई है यहाँ पर, क्या उसको इन्वोक होना है या फिर नहीं होना, ये केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होगा। केस नंबर 9, रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखिए इस केस में क्या हुआ था कि आपके सिविल सर्विसेज कुछ कैंडिडेट्स ने बोला कि हमने अपनी लास्ट अटेम्प्ट जो थी सिविल सर्विसेज की वो 2020 अक्टूबर में तो एग्जॉस्ट कर दी, बट कोविड-19 पैंडमिक के चक्कर में हमें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दी जानी चाहिए, बिकॉज प्रायर इसके भी कुछ साल पहले जब सिविल सर्विसेज के पैटर्न में चेंज आया था तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया गया था यहाँ पर, ठीक है। इस चीज को लेकर कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, अगर हम इस चीज को अलाउ कर देंगे कि हमने आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दिया, तो इसका एक बहुत ही भयंकर कैस्केडिंग इफेक्ट होगा और एग्जामिनेशंस में जो कि अदर स्ट्रीम्स के अंदर होने हैं, क्योंकि फिर उसमें भी यहाँ पर वही सेम चीज मांगी जाएगी, और ये एक बहुत ही जो है, अगर आप 142 के अंदर कोर्ट को कह रहे हो तो ये हम नहीं करेंगे। कोर्ट ने हेल्ड ये करा कि भाई देखो, ये जो चीज होती है ना पॉलिसी मेकिंग, ये एग्जीक्यूटिव के रिल्म के अंदर होती है कि वो पॉलिसी जो डिसीजंस होते हैं वो ऑन द बेस ऑफ प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, और जो आपकी लॉन्ग टर्म एक्सर्जेंसीज होती हैं या फिर जो चीजें होती हैं उनको लेकर वो डील करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये कोर्ट के डोमेन के अंदर नहीं है कि वो बैठकर पॉलिसी लेजिस्लेट करना यहाँ पे शुरू कर दे। और इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर कोर्ट ने जो रिट पिटीशन थी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए उसको डिसमिस कर दिया। केस नंबर 10, पेट्रिशिया मुकीम वर्सेज स्टेट ऑफ मेघालय। ये जो आपका केस है ये आपका सेक्शन 153A ऑफ IPC और आर्टिकल 19(1A) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ एक केस है। हुआ क्या था, FIR एक दर्ज करी गई, एक एक्टिविस्ट थी आपकी पेट्रिशिया उनके खिलाफ सेक्शन 153A के अंदर, बाकी सेक्शन के अंदर उन्होंने बेसिकली फेसबुक पोस्ट लिखा था, बेसिकली उन्होंने क्रिटिसाइज करा था मेघालय गवर्नमेंट के एक्शन को। अब इस चीज को लेके जब वो गई सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे बात पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करा कि जो एपिलेंट ने यहाँ पे प्ली दी है कि हम बेसिकली इक्वालिटी और प्रोटेक्शन की बात करते हैं नॉन ट्राइबल्स के लिए जो कि मेघालय में रहते हैं, उसको आप हेट स्पीच के तौर पे क्रिटिसाइज मतलब कैटेगराइज नहीं कर सकते हो। कोर्ट ने फर्दर ये चीज का एम्फेसिस दिया कि अगर आप बात करते हो 153A की, तो उसके अंदर आपको ये शो करना पड़ेगा कि भैया इंटेंशन था डिसऑर्डर कॉज करने का, या फिर लोगों को जो वायलेंस होती है वो इंसाइट करने का इंटेंशन था, और जो प्रोसिक्यूशन है यहाँ पे सरकार है वो यहाँ पर सक्सीड नहीं कर पाई है इस चीज को प्रूफ करने में कि मेंसरिया था यहाँ पे। फर्दर उन्होंने बोला कोर्ट ने कि जो आपका होता है ना डिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट इन एक्शन, की गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही उसके खिलाफ अगर आप कुछ बोल रहे हो उसको आप ऐसे नहीं ब्रांड कर सकते, उसको आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि वो हेट्रेड प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, और जो आपका फ्री स्पीच होता है उसको आप रोक नहीं सकते हो, स्टाइफल नहीं कर सकते हो By implicating people in criminal cases, फर्जी केस में उनको आप क्रिमिनल केस में वो नहीं कर सकते, unless and until वहां पे जो tendency है जब तक वो public order को नहीं affect करती तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हो। केस नंबर 11, बांका सीला स्नेहा वर्सेज स्टेट ऑफ तेलंगाना। अब देखिए इस केस में आपका क्या हुआ था कि इसके अंदर एक पर्सन था जिसको कि यहाँ पे पहले तो एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, इसने उठा के कुछ फ्रॉड कमिट किए थे, लेकिन बाद में जो स्टेट था उसने तेलंगाना प्रिवेंटेड जो आपका प्रिवेंटेड डिटेंशन एक्ट होता है उसका यूज करके इनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। फिर ये पर्सन सुप्रीम कोर्ट अपना गया और उसने कहा कि यहाँ पे प्रिवेंटेड डिटेंशन जो स्टेट्यूट है उसका मिसयूज किया जा रहा है। इस चीज को देखते हुए कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि जब कोई पर्सन है उसको आपने प्रिवेंटिवली डिटेन कर लिया तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, आर्टिकल 19 अट्रैक्ट पहली बात तो नहीं होगा। दूसरी चीज, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है उसको फॉलो करना चाहिए विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ आर्टिकल 21, रेड विद आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जो स्टेट्यूट इन क्वेश्चन है उसके। आप उस स्टेट्यूट का मिसयूज केवल इसलिए नहीं कर सकते हो बिकॉज आपको एक हंच है कि हाँ ये पर्सन अगर बाहर रह गया और इसका एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है तो हमें इसको डिटेन कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम इस चीज को बोलें कि हम आर्ग्यू करते हैं कि आप लिबरल मीनिंग दोगे टू द एक्सप्रेशन पब्लिक ऑर्डर, जहां पे आप सब कुछ ही इंक्लूड करना चाहते हो कि भैया आप कह दो कि पब्लिक ऑर्डर के अंदर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट भी आता है और लॉ एंड ऑर्डर भी आता है, तो कोर्ट ने बोला कि जितने एक्सप्रेशन हैं ये सब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है
और साथ में उन्होंने कहा कि फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर आप इसको लिबरल इंटरप्रिटेशन दे रहे हो सारी चीजों को इंक्लूड करने के लिए, तो वो होली इन अपोजिट होगा और इनकरेक्ट होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। कोर्ट ने फर्दर कहा कि अगर आप बात करते हो पब्लिक ऑर्डर की, तो उसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर उसको हार्म करना, डेंजर करना, या फिर अलार्म करना, या फिर एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी लाना अमंग द जनरल पब्लिक आपका, या फिर एक वाइड स्प्रेड डेंजर कॉज करना टू लाइफ और पब्लिक हेल्थ। और अगर कोई पर्सन है जो कि अगर ये सब काम कर रहा है, तो उसको आप प्रिवेंटिवली डिटेन करो, लेकिन अगर किसी पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल रॉन्गली मिल गई है, तो और भी यहाँ पे तरीके होते हैं जिसका कि आप यूज करके इस सिचुएशन का टेक केयर कर सकते हो, जैसे कि बेल जो है उसकी एप्लीकेशन को कैंसिल कराने के लिए आप अपील कर सकते हो। लेकिन इस तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज करना कहीं ना कहीं कोर्ट ने कहा सही नहीं होगा, और आर्टिकल 21 और 22 का यहाँ पे वायलेशन हुआ है। केस नंबर 12 अक्षय पटेल वर्सेज RBI। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, एक यहाँ पे कंपनी थी जो कि बेसिकली मिडिल मैन के तौर पे काम करती थी फॉर चाइनीज एंड अमेरिकन कंपनीज, और ये सब बेसिकली PPE किट्स में ट्रेड करते थे कोरोना वायरस के टाइम के दौरान। अब यहाँ पे इंडिया ने क्या करा, एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि आप PPE किट्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह कुछ नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा इंडिया के बाहर। ये चीज को देखते हुए कॉर्पोरेशन अपना पहुंच गया यहाँ पे कि भाई हमारे जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं आर्टिकल 19(1)(g) में। कोर्ट ने इसमें हेल्ड ये करा कि भाई देखो कॉर्पोरेशन जो एक होता है ना, वो इंफ्रिंजमेंट नहीं क्लेम कर सकता है फॉर आर्टिकल 19(1)(g), एज ये फंडामेंटल राइट्स ज्यूरिस्टिक पर्सन को अवेलेबल नहीं होता, और एक जो रिस्ट्रिक्शन होता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस के ऊपर, वो एक कंप्लीट प्रोहिबिशन का रोल भी अदा कर सकता है, आ सकता है उस पावर में। फर्दर उन्होंने कहा कि जो एक MTT होती है, अगर वो प्रोडक्ट के उसमें मान लो डायरेक्टली अप्लाई नहीं करती है कि वो इंडिया के लिए डायरेक्टली यहाँ पे स्टॉक ना रिड्यूस करे कि वो चाइना से अमेरिका जा रहा है, फिर भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर मान लो इंडिया को जरूरत पड़ती यहाँ पे स्टॉक खरीदने की, तो वो खरीद सकती थी। पर जो कि ये काम हो रहा था, तुम वहां से चाइना से बन रही चीजें अमेरिका में पहुंचवा रहे थे, तो फिर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट से इंडिया के लिए भी वो चीज अक्वायर करना, अगर स्टॉक अवेलेबल होता वो खरीद लेता। तो फिर जो प्रोहिबिशन था फर्दर, वो इसीलिए नेसेसरी हो गया ताकि रियलाइज हो पाए जो लेजिटिमेट एम है स्टेट का यहाँ पर, और जो उसके इंटरेस्ट है और जो राइट है जो कि गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो यहाँ पर एक तरीके से वेपन नहीं बनेंगे प्राइवेट बिजनेसेस के लिए कि वो किसी रेगुलेशन को डिसेबल करे जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में इनएक्ट करी गई है, खास करके कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर। फर्दर कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो RBI है उसने बिल्कुल सक्सीड वो कर गए अपने केस के अंदर ये डेमोन्स्ट्रेट करने में कि यहाँ पे एक रैशनल नेक्सस है बिटवीन प्रोहिबिशन ऑफ MTTs इन रिस्पेक्ट टू PPE किट और जो पब्लिक हेल्थ है इंडियन सिटीजन की उसको लेकर सीधे सीधे। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर क्रिमिनल लॉ से जुड़े हुए केसेस के बारे में। इसके अंदर जो हम लोग पहले केसेस देखेंगे वो आपके IPC के होंगे, और इसके अंदर जो पहला केस है वो है आपका स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस महेंद्र। इस केस के अंदर कोर्ट ने डिफरेंशिएशन करा बिटवीन अटेम्प्ट टू रेप एंड रेप। हुआ क्या था इस केस में कि जो पर्सन था अक्यूज था उसने पहले तो माइनर गर्ल्स को एक रूम के अंदर लेके जाता है, रूम को बंद करता है, उसके बाद गर्ल्स को नेकेड स्ट्रिप करने के बाद अपने जेनिटल्स को विक्टिम के जेनिटल्स के साथ अपना रब करने की कोशिश करता है। फिर इसके अंदर कोर्ट ने जो कन्विक्शन था इसको अपहेल्ड करा और ये कहा कि जो ये पर्सन है ये अटेम्प्ट टू रेप के लिए अक्यूज्ड है, और फर्दर उन्होंने बोला कि जो यहाँ पे एक्ट कमिट हुआ है वो इस एंडेवर के साथ हुआ है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कमिट करना चाहते थे। जो भी ये एक्ट है उसके अंदर एक डिलिबरेट मैनिफेस्ट इंटेंशन दिखाई देता है कि आप ऑफेंस को कमिट करने वाले थे, और एक रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन है कि कंज्यूमेशन जो होता है इस पूरी चीज का ऑफेंस का उसको आप यहाँ पे कंप्लीट करते, जो एक्ट थे वो सीरियसली एक्सीड करते हैं बियॉन्ड द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, और ये एक्चुअल जो पेनिट्रेशन होता है उसके एम्बिट के अंदर सीरियसली घुस चुका है। फर्दर उन्होंने ऑब्जर्व ये करा कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से कन्विक्ट करा इस पर्सन को अटेम्प्ट टू रेप के अंदर, जो कि पनिशेबल है एट द स्कोप ऑफ सेक्शन 511 सेक्शन 375, बिकॉज उस टाइम पे पॉस्को एक्ट आपका आया नहीं था फोर्स में। फर्दर उन्होंने ये कहा कि जो स्टेज होती है प्रिपरेशन की वो कंसिस्ट करती है एक डिलीबरेट या फिर डिवाइसिंग या फिर अरेंज करना मींस को या फिर मेजर्स को जो कि नेसेसरी है फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, वेयर एज अगर आप अटेम्प्ट की बात करते हो तो जो कमीशन होता है आप ऑफेंस का वो आप स्टार्ट बेसिकली शुरू हो जाता है तभी जब यहाँ पे अटेम्प्ट यहाँ पे शुरू होता है, पर आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ प्रिपरेशन ये चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं आती है। जो अटेम्प्ट होता है आपका वो एग्जीक्यूशन आपकी होती है जो मेंसरिया की, वो आफ्टर प्रिपरेशन मानी जाती है, और अटेम्प्ट स्टार्ट तभी हो जाता है जब प्रिपरेशन यहाँ पे आपका टू एन एंड आता है। केस नंबर 14 गणेशन वर्सेज स्टेट, ये आपका केस डिकॉयटी से जुड़ा हुआ एक केस है जिसमें कि कोर्ट ने यह हेल्ड करा था कि मेरली बिकॉज कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे अक्यूज जो कि आप स्कॉन्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे लेस देन 5% हैं जिनको कि यहाँ पे जिनका ट्रायल यहाँ पे हुआ
ट्राई जिनको किया गया, ये नहीं कहा जा सकता कि जो ऑफेंस है सेक्शन 391 के अंदर वो मेड आउट नहीं होता है जो कि पनिशेबल है 395 के अंदर। फर्दर कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे जो हमें कंसिडर करना है वो ये है कि इन्वॉल्वमेंट और कमीशन जो था रॉबरी के अंदर पांच लोगों का, वो था या फिर नहीं, इस बात पे हमें ध्यान देना है कि वो पर्सन को एक साथ ट्राई करा गया या फिर नहीं, दैट डज नॉट मैटर। पांच लोग इन्वॉल्व थे, दैट इज मोर देन इनफ। एक बार अगर एविडेंस मिल गया कि पांच या उससे ज्यादा पर्सन यहाँ पे कंज्वाइंटली क्राइम को कमिट कर रहे थे, ऑफेंस ऑफ रॉबरी को कमिट कर रहे थे, अटेम्प्ट कर रहे थे कमिट करने का, तो वो केस आपका 391 के अंदर आएगा और वो डिकॉयटी के डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। केस नंबर 15, महेंद्र केसी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये आपका केस सेक्शन 306 आईपीसी और सेक्शन 482 सीआरपीसी का एक हाइब्रिड केस है। इसमें हुआ क्या था कि कोर्ट ने जो हाईकोर्ट का एक डिसीजन था उसको सीधे सीधे क्रिटिसाइज करते हुए बोला कि आप एक पर्सन को जिसने सुसाइड कमिट करा है उसको आप वीकली नहीं बोल सकते। उन्होंने यहाँ पे अपील को अलाउ करा और सेटिसाइड करा हाईकोर्ट के जजमेंट को और ऑब्जर्व ये करा कि जिस मैनर में आपने डिस्क्राइब करा है एक डिप्रेस पर्सन के बिहेवियर को, वो डिमिनिश करता है मेंटल हेल्थ इश्यूज को सीधे सीधे। हाईकोर्ट ने वर्चुअली पूरा पूरा ट्रायल यहाँ पे करा और सब्स्टिट्यूट कर दिया अपने परसेप्शन को, जो कि वो बिलीव करता है कि होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था, इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। फर्दर यहाँ पे जो सिंगल जज थे उन्होंने अपनी पूरी जो लिमिट्स होती है ज्यूरिडिक्शन की 482 के अंदर उसको पूरी तरीके से यहाँ पे लांग दिया, ट्रांसग्रेस कर दिया, और उन्होंने जो वेरासिटी होती है एलिगेशंस की एक क्रिमिनल कंप्लेंट के अंदर उसको यहाँ पे पूरा पूरा इन्होंने टेस्ट कर डाला, और जो सुसाइड नोट होता है उसके अंदर इन्होंने पूरा पूरा देखा विदाउट लुकिंग इन टू द एविडेंशियरी रिकॉर्ड कि उसमें क्या हो रहा है, बल्कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन थी वो अभी इन प्रोसेस थी उसके अंदर। एट द स्टेज जहाँ पे हाईकोर्ट एक पिटीशन कंसिडर कर रही है 482 के अंदर क्वेश्चन के लिए, जो टेस्ट अप्लाई होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या जो एप्लीगेशन है कंप्लेन के अंदर अगर वो एज स्टैंड करते हैं विदाउट एडिंग या फिर डिट्रैक्टिंग कि क्या कंप्लेन में दिया, मतलब चीजें हैं प्राइमा फेसाई क्या वो स्टैब्लिश करती है ऑफेंस के एलिगेशन को या फिर नहीं, वो होना चाहिए। कोर्ट ने फर्दर यह हेल्ड करा कि जो हाई कोर्ट है वो एट दिस स्टेज उस वेरासिटी को नहीं चेक कर सकता है एलिगेशंस की वो क्या है, या फिर वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उस जज की तरह नहीं एक्ट कर सकता है कि जो ट्रायल कंडक्ट करता है जैसे वो उस मैटर में एक्ट करता है, वैसे आप नहीं एक्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जो कि कोर्स ऑफ ट्रायल कंडक्ट हुए हैं, वैसे आप एक्ट नहीं कर सकते 482 के अंदर में। केस नंबर 16, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार उर्फ बिट्टू। अब इस केस के अंदर जो आपका सेक्शन 433 के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर कि वो किसी भी ऐसी सेंटेंस को रिमिट नहीं कर सकते हैं जिसमें जो सेंटेंस मिली है उसके अंदर डेथ का क्लॉज दिया हुआ है लेकिन पर्सन को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली है, और उसके बाद वो तभी उसको रिमिट कर पाएंगे जब 14 ईयर्स कम से कम सेंटेंस के पास हो चुके हैं, और जब उसका कन्फ्लिक्ट आपका आर्टिकल 161 के अंदर आता है गवर्नर की पावर के साथ तो क्या रिजल्ट रहेगा उसके ऊपर यहाँ पे जजमेंट जो कोर्ट ने दिया वो ये दिया कि जो पावर होती है गवर्नर की 161 के अंदर कम्यूट करने की सेंटेंसेस को या फिर पार्डन करने की, वो ओवरराइड करेगी उस रिस्ट्रिक्शन को जो कि 433A ऑफ सीआरपीसी में दी है। इवन जो प्रिजनर है अगर उसने 14 साल नहीं भी अंडरगो करे हैं एक्चुअल इंप्रिजनमेंट के, गवर्नर के पास ये पावर है कि वो 161 के अंदर उस चीज को रेमिट कर सकता है, और जो पावर कन्फर करी गई है गवर्नर के ऊपर दो वो एक्सरसाइज होनी चाहिए बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट, वो विदाउट रिस्ट्रिक्शन है ओवर द एक्चुअल पीरियड ऑफ इंप्रिजनमेंट जो कि यहाँ पे प्रिजनर ने अंडरगो किया है। जो पावर होती है गवर्नर की कम्यूट करने की सेंटेंसेस को या पार्डन करने की, वो इंडिपेंडेंट है ऑफ एनी सच रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन, और जो पॉलिसी होती है एट द टाइम जो कि प्रेवलेंट है कन्विक्शन को लेके, वो कंसिडरेशन मिली जाएगी फॉर कंसिडरिंग द प्री मेच्योर रिलीज ऑफ प्रिजनर। जो पावर होती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रिलीज करने की प्रिजनर को जब वो आफ्टर 14 ईयर्स अपना एक्चुअल इंप्रिजनमेंट सर्व कर चुका है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वेस्टेड होती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो गवर्नर के पास पावर है वो एक्सरसाइज होती है आफ्टर द एन एडवाइस ऑफ द स्टेट, लेकिन उसके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होता जो कि गवर्नमेंट के ऊपर होता है। जो गवर्नर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है तो उसके पास ये पावर होती है कि वो यहाँ पर प्रिजनर को ओवरराइड करते हुए 433A को जो उसकी एक्चुअल यहाँ पर सेंटेंस है उसको वहां पर रिमिट कर सकता है। केस नंबर 17, मनोहर लाल शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा कि भाई आप एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाओ एक्सपर्ट की जो कि उन एलिगेशंस के ऊपर लुक इनटू करेगी कि जो सर्विलेंस के लिए यूज हुआ था पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर उसके अंदर कितनी मेरिट है, और जो कमेटी यहाँ पे फंक्शनिंग बनेगी उसको ओवरसी करेंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आर वी रविंद्र।
फर्दर उन्होंने कहा कि जो एक फ्रीडम ऑफ प्रेस होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर आप इंडिस्क्रिमिनेट स्पाइंग करोगे इंडिविजुअल्स की, वो तब तक आप अलाउ नहीं करोगे जब तक आप सफिशियंट सेंचुरी यहाँ पे सेफगार्ड्स नहीं देते, फॉलोड बाय प्रोसीजर जो एस्टैब्लिश करा गया लॉ के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको फॉलो करते हुए। अगर आप बात करते हो सर्विलेंस की और एक नॉलेज की कि कोई पर्सन एक थ्रेट में है कि उसको स्पाई ऑन किया जा रहा है, तो वो उस पर्सन के या फिर उस इंडिविजुअल के जो उसके राइट्स होते हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा, और ऐसे सिनेरियो के अंदर एक तरीके से सेल्फ सेंसरशिप अपने आप आ जाएगी कि कोई इंडिविजुअल डर के मारे कोई जो रिपोर्टिंग होता है वो करना बंद कर देगा, जैसे खास करके प्रेस। उसका जो चिलिंग इफेक्ट होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर सीरियसली होगा, बिकॉज वो असॉल्ट करेगा उन वाइटल पब्लिक वॉच डॉग्स पे जो कि रोल होता है प्रेस का, और वो अंडरमाइन करेगा उनकी एबिलिटी को कि वो प्रोवाइड कर पाए एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन। जो यूनियन है वो डिक्लाइन कर सकता है इन्फॉर्मेशन जब भी इश्यूज होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के, पर जो मेन इन्वोकेशन होता है वर्ड नेशनल सिक्योरिटी का वो नहीं रेंडर कर सकता है कोर्ट को एज अ म्यूट स्पेक्टेटर। हाउएवर इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम लोग यहाँ पे स्टेट को एक फ्री पास दे दे हर बार जब भी यहाँ पे वो नेशनल सिक्योरिटी वर्ड का यूज करता है। आप चलिए बात करना शुरू करते हैं सीआरपीसी से जुड़े हुए केसेस के बारे में। इसके अंदर सबसे पहला जो केस हम लोग देखेंगे वो है आपका केस नंबर 18 अजय कुमार स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जो कि डील करते हैं सेक्शन 319 से, जहां पे कोर्ट की ये पावर होती है कि अगर कोई अक्यूज्ड है जिसको कि ट्रायल की शुरुआत में अक्यूज नहीं बनाया गया था और कोर्ट को ऐसा लगता है कि नया एविडेंस ऐसा आ चुका है जो कि इस अक्यूज को बाकी अक्यूज के साथ में यहां पे इसको ट्राई होना चाहिए, तो वो एज अक्यूज ट्रायल के बीच में इसको इंक्लूड कर सकती है। इस चीज को देखते हुए कोर्ट ने यहां पे बेसिकली बोला यह है कि जो ये पावर होती है ना कोर्ट 319 के अंदर कि वो प्रोसीड कर सकती है ऐसे पर्सन के अंदर, वो डिस्क्रिशनरी होती है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है, और उसको आपको बहुत ही एक्सपायरिंगली मतलब बहुत ही कम उसमें इस्तेमाल करना है, और सर्कमस्टांसेस जब वारंट करे तभी इसको करो। जो मेन टेस्ट होता है जो कि यहाँ पे अप्लाई होगा इस पावर को अप्लाई करने के लिए, वो ये होना चाहिए कि भाई देखो सबसे पहले तो अगर एक प्राइम ऑफ एसआई केस बन रहा है, मोर देन प्राइम ऑफ एसआई केस अगर बनता है, अगर एट द टाइम ऑफ चार्जिंग ऑफ मतलब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, तो ठीक है वहां पे, और जो सेटिस्फैक्शन होती है कोर्ट की वो टू द एक्सटेंट होनी चाहिए कि जो एविडेंस है अगर उसको हम लोग अनरिबटेड छोड़ देते हैं कि मतलब उसका रिबटल ना हो, तो वो कन्विक्शन को लीड करेगा अक्यूज्ड के। उस केस में अगर कोर्ट का ऐसा लगता है तो वहां पे वो पर्सन को इंक्लूड कर सकती है ट्रायल के अंदर। फर्दर उन्होंने बोला कि ये एक्सरसाइज इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या फिर सेशन जज को लगता है या उनकी ओपिनियन है कि कोई ऐसा अदर पर्सन है जो कि मे बी गिल्टी हो सकता है उस ऑफेंस को कमिट करने का। Only when strong और cogent evidence यहाँ पे against a person आता है जिससे कि लगता है court क्योंकि हाँ ऐसी power को exercise करना है उनको, तभी उसको use करना है, और casual और cavalier manner में इस power का इस्तेमाल उनको नहीं करना है 319 के अंदर। Case number 19 कप्तान सिंह versus state of UP। अब देखिए इस केस में क्या हुआ था कि आपका जो अक्यूज था उसने एक सेल डीड का एग्जीक्यूशन करने से मना कर दिया, फिर जो कंप्लेनेंट था उसने केस फाइल करा, तो अक्यूज जो है अपना हाईकोर्ट रिमूव करता है 432 में, ये कहते हुए कि ये जो कंप्लेनेंट है मुझे लैंड को सेल करने के लिए फोर्स कर रहा है। हाई कोर्ट ने यहाँ पे एफआईआर को डिसमिस कर दिया। अब ये चीज जब वो सुप्रीम कोर्ट में लेके गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि भाई देखो पहली बात तो ये है कि इस तरीके से अगर आप क्रैश कर रहे हो क्रिमिनल प्रोसीडिंग 42 के अंदर, जहां पे कंप्लेंट के अंदर ऐसे सीरियस एलिगेशंस हैं जिनके ऊपर पूरा ट्रायल चल सकता है, तो ये चीज बिल्कुल इम्प्रॉपर है। फर्दर उन्होंने कहा कि जो होता है एप्रिसिएशन एविडेंस का वो परमिसेबल नहीं है एट द स्टेज जहां पे आप कॉशिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स की बात सुन रहे हो 42 के अंदर, और जो एक्सरसाइज होती है 42 के अंदर पावर वो एक एक्सेप्शन होता है, एक रूल नहीं होता है इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, आपको उस पावर का सोच समझ के इस्तेमाल करना है। फर्दर कोर्ट ने कहा कि अगर यहाँ पर कोर्ट एफआईआर के कंटेंट्स को चेक करना शुरू कर दिए कि उसकी फैक्चुअल वेरासिटी किस तरीके की है या फिर उसमें कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है या फिर नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, और कोर्ट यहां पे एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरह या फिर एक अपेलेट कोर्ट की तरह एक्ट नहीं कर सकती, उसकी पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। केस नंबर 20 कपिल अग्रवाल वर्सेस संजय शर्मा। इस केस के अंदर कोर्ट ने आर्टिकल 226 और 482 सीआरपीसी इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट को लेकर एक जजमेंट दिया। इसमें हुआ क्या था कि जो बेसिकली अक्यूज था उसके खिलाफ एक केस फाइल हो गया था सेक्शन 420 ऑफ सीआरपीसी के अंदर, जब उसने एक अपना केस फाइल कर दिया डिसऑनरिंग ऑफ चेक का, वो चीज यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके आया। इसके अंदर कोर्ट ने ऑब्जर्व ये करा कि जो हाई कोर्ट है वो अपनी पावर को इन्वोक कर सकती है 226 के अंदर कि वो क्वैश कर पाए एक एफआईआर को अगर उसको लगता है कि वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। जो इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन होती है कोर्ट के पास 482 के अंदर या फिर 226 के अंदर, वो एक तरीके से डिजाइंड है इस पर्पज के लिए कि अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है जिसको कि अगर आप परमिट करते हो
तो वो डीजनरेट हो जाएगा अगर वेपन ऑफ हरासमेंट वो हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। जो कोर्ट है अगर वो सेटिस्फाइड है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ उसमें है चांस यहाँ होने का, या फिर वो अमाउंट कर रही है कि प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है अक्यूज के ऊपर, तो इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज में वो प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन कर सकती है। और 42 अपने आप में एक ओवरराइडिंग प्रोविजन यहाँ पे है, ये जो आपकी चीज थी ये आपका परत भाई आहिर वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात के केस में करी गई थी। स्टेट्यूट जो होता है उसके अंदर जो इनहेरेंट पावर होती है, ठीक है, वो यहाँ पे हाई कोर्ट को एज अ सुपीरियर कोर्ट ये पावर देती है कि वो ऐसे ऑर्डर्स कर पाए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ और या फिर अदरवाइज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। और जो सेम पावर होती है वो होती है हाई कोर्ट के पास जब वो 226 के अंदर भी अपने इस चीज को इस्तेमाल कर रहा है। केस नंबर 21 शिवाजी चिंतप्पा पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे कोर्ट ने यह ऑब्जर्व करा कि अगर सेक्शन 313 के अंदर अक्यूज्ड एक फॉल्स या फिर नॉन एक्सप्लेनेशन देता है किसी ऐसे क्वेश्चन को लेकर जो कि कोर्ट ने पोज करा, तो वहां पर ये चीज एज अ लिंक नहीं यूज की सकती है प्रोसिक्यूशन के द्वारा अपने चेन ऑफ एविडेंस को कंप्लीट करने के लिए। उसको वो लोग एक एडिशनल सर्कमस्टांस के तौर पर तो यूज कर सकते हैं जब प्रोसिक्यूशन ये चीज प्रूव कर सकता है कि चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस लीड करेंगे टू नो अदर कंक्लूजन देन द गिल्ट ऑफ द अक्यूज, पर उसके अलावा नहीं कर सकता। फर्दर कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि सेक्शन 106 जो है एब्जॉल्व नहीं करता है प्रोसिक्यूशन की उस ड्यूटी से उसको कि भैया उसको केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यहाँ पे प्रूव करना है। इट इज ओनली वेन कि जब प्रोसिक्यूशन एक ऐसा एविडेंस लेके आया जिसको कि अगर बिलीव करा जाए कि वो सस्टेन करवा देगा कन्विक्शन सीधा सीधा, या फिर अगर वो एक प्राइमरी केस मेक आउट कर पा रहा है, तब ये क्वेश्चन अराइज आउट होता है कंसिडरिंग द फैक्ट्स कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो लाया अपॉन करेगा अक्यूज के ऊपर ये एक्सप्लेन करने का कि वो जो एक्सप्लेनेशन था वो किस तरीके का था। फर्दर रिगार्डिंग द फेलियर कि जो अक्यूज है वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है अंडर 313, ठीक है, उसके अंदर कोर्ट ने कहा कि एक बहुत ही वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जो एक फॉल्स या फिर नॉन एक्सप्लेनेशन होती है वो तभी यूज की सकती है एज एडिशनल सर्कमस्टांस जब प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर चुका है कि जो चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस है वो लीड कर रही है टू नो अदर कंक्लूजन देन द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। हाउएवर उसको आप लिंक की तरह यूज नहीं कर सकते हो कि आप अपनी चेन ऑफ जो अपना एविडेंस है उसको लिए उसको आप कंप्लीट करने के लिए यूज कर रहे हो। केस नंबर 22 कृष्णलाल चावड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस के अंदर कोर्ट ने ऑब्जर्व ये करा कि जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं और जो ट्रायल आपके जजेस होते हैं उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा होती है कि वो फंडामेंटल राइट जो होते हैं सिटीजन्स को उनको सेफ गार्ड करे। उन्होंने एम्फसाइज करा कोर्ट के रोल के ऊपर कि उनका काम होता है कि वो अब्यूज जो होता है क्रिमिनल प्रोसेस का उसको ये लोग रोके। उन्होंने कहा कि जब आपके पास एक प्राइवेट कंप्लेंट आती है किसी मजिस्ट्रेट के पास तो पहले तो आप ये स्क्रूटनाइज करो कि जो एलिगेशन है उनमें मेरिट है कि नहीं, फ्रिवलस तो नहीं है। फिर दूसरा आप ये चीज देखो कि जो मटेरियल है क्या वो केस जो है कंप्लेनेंट का वो सही है या फिर नहीं। फर्दर अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आप आइडेंटिफाई और डिस्पोज ऑफ करो ऐसे फ्रिवलस लिटिगेशन को एट अ अर्ली स्टेज, जो आपकी पावर दी गई है उसको एक्सरसाइज करते हुए टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। फर्दर उन्होंने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट और मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इनजस्टिस को कर्व करने के लिए और वो एक्ट करते हैं एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टू बोथ इंटेग्रिटी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक हरास्ड और डिस्ट्रॉट लिटिगेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये ना सिर्फ आपका सेव करता है जुडिशियल टाइम को जो कि कॉस्ट करता है पब्लिक मनी, और साथ में वो प्रोटेक्ट करता है राइट टू लिबर्टी जो हर पर्सन के पास होती है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। केस नंबर 23 फाखरे आलम वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। इस केस के अंदर कोर्ट ने सेक्शन 167 से जुड़ा हुआ काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया और उसमें यह कहा कि जो टाइम पीरियड होता है इन्वेस्टिगेशन का जो कि स्पेसिफाइड 167 के अंदर उसको आप एक्सटेंड इस तरीके से नहीं कर सकता है स्टेट कि आप कह रहे हो कि आपको सप्लीमेंट्री चार्जशीट यहाँ पे फाइल करनी है अंडर द यूएपीए एक्ट। उन्होंने कहा कि जो डिफॉल्ट बेल का ये राइट होता है ना 167 क्लॉज 2 के अंदर वो एक फंडामेंटल राइट है, नॉट मेरली एक स्टैट्यूटरी राइट है, बिकॉज जो यूएपीए इटसेल्फ है वो काफी ड्रास्टिक एक्ट है इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप डिफॉल्ट बेल को एक मेरे स्टैट्यूटरी राइट नहीं बल्कि एक प्रोसीजर मानोगे जो कि एस्टैब्लिश हुआ है लॉ के अंडर आर्टिकल 21। उसके लेके कोर्ट ने यह भी बोला कि जो पीरियड होता है चार्जशीट फाइल करने का अगर वो एक्सपायर हो गया और चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तब एपलेंट के पास ये अधिकार है कि वो डिफॉल्ट बेल ले सकता है। और फर्दर आप ये नहीं कह सकते कि हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रहे हैं और हमें एक्सटेंशन चाहिए और यहाँ पे ग्रांट ना किया जाए डिफॉल्ट बेल। केस नंबर 24 अपर्णा भट्ट वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस के अंदर कोर्ट ने एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड करा था जहां पे कोर्ट ने ये बेल कंडीशन इंपोज करी कैसे अक्यूज के ऊपर जिसने कि अपने नेबर की मॉडेस्टी का आउटरेज करा था कि जो
नेबर है वो अपने अक्यूज के हाथ पे राखी टाई करे। इस चीज को देखते हुए कोर्ट ने बोला कि भाई देखो इसका जो इफेक्ट होगा ना ऐसी रूलिंग का वो डाइल्यूटिंग होगा, इरोडिंग होगा टू द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इटसेल्फ। जो एक्ट यहाँ पे हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑफेंस इन लॉ, और ये कोई छोटा मोटा माइनर ट्रांसग्रेशन नहीं जिसको कि आप रेमेडी कर दोगे बाय वे ऑफ माफी मंगवाने के या फिर आप कम्युनिटी सर्विस रेंडर करने के लिए बोल दोगे, उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जो रोल होता है सारे कोर्ट्स का वो ये मेक श्योर करना होता है कि जो सर्वाइवर है वो कोर्ट की इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रलिटी पर रिलाय कर सकती है एट एवरी स्टेज ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, जहां पे जो यहाँ पे विक्टिम है वो एक सर्वाइवर है और एक अग्रीड पार्टी। फर्दर उन्होंने कहा कि अगर एक इवन एक हल्का सा इनडायरेक्ट अंडरमाइनिंग भी होता है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कि कोर्ट के ऊपर है कास्ट अपॉन, जहां पे आप परमिट कर रहे हो कोई ऐसी चीज जो कि ऑन द बिहाफ ऑफ अक्यूज्ड हो रहा है जो कि गलत है, जिसको कि नहीं अलाउ करना चाहिए, एक रिकर्सिव फॉर्मेशन जिसको आप कहोगे, तो वो चीज कहीं ना कहीं डिमिनिश करेगी कोर्ट की एजेंसी को और या फिर अंडर प्ले करेगी उसके रोल को एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द क्राइम यहाँ पे अक्यूज के। और ये कई केसेस में शेक कर सकती है एक रेप सर्वाइवर के कॉन्फिडेंस को ऑन द इम्पार्शियलिटी ऑफ द कोर्ट की वो कोर्ट चाहती क्या यहाँ पे, क्या वो जो अक्यूज्ड है उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है क्या। केस नंबर 25 निहायका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस के अंदर हुआ क्या था कि हाईकोर्ट ने एक पिटीशन को कॉस करते हुए 42 के अंदर उन्होंने क्या करा कि ऑर्डर पास कर दिया इंटरिम, ये कहते हुए कि जो अक्यूज्ड है उसके खिलाफ कोई भी कोर्सिव स्टेप नहीं लिया जाएगा या फिर उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती या फिर फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं हो जाती है 173 के अंदर। अब इसको लेकर कोर्ट के सामने जब ये मामला गया तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए जब तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन प्रोग्रेस है और जो फैक्ट्स है केस के वो हेजी हैं और इंटायर मटेरियल एविडेंस अभी कोर्ट के सामने जब तक नहीं आया है, कोर्ट को रिस्ट्रेन करना चाहिए कोई भी ऐसा एंट्री ऑर्डर अपना पास करने से, और जो नेचर है यहाँ पर केस का उसको अंडरस्टैंड करते हुए अक्यूज को रेलिगेट कर देना चाहिए कि आप एंटीसिपेटरी बेल सीक करो 438 के अंदर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने। फर्दर कोर्ट ने बोला कि जो पुलिस है उसके पास एक स्टैट्यूटरी राइट और उसकी एक ड्यूटी होती है कि वो सीआरपीसी के अंदर इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को और कोर्ट्स यहां पर उनके इस काम के बीच में नहीं थॉट इन कर सकती है। इट इज ओनली जब कोई ऐसा केस होता है जहां पर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस उनको नहीं नजर आता या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो कि एफआईआर डिस्क्लोज हो रही है जहां पर कोर्ट कह सकती है कि हम यहां पर परमिट नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन को आगे जाने से, और या फिर जब भी कोर्ट को अपनी इस पावर का इस्तेमाल करना है कि वो किसी पिटीशन को क्वाश कर रही है तो वो उसको काफी कम इसमें स्पेरिंगली यूज करना है, उसको एज अ एक्सेप्शन यूज करना है, उसको एज अ रूल नहीं यूज करना है कि आप लगातार बार बार उसमें अपना जो पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए पिटीशन को क्वाश करते चलते आ रहे हो। इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो स्टेचुरी पावर होती है यहाँ पे पुलिस की और उसके अंदर जब तक वो प्रॉपरली कंप्लीट ना हो जाए कोर्ट को इंटरफियर नहीं करना चाहिए।